करीब 250 साल का यात्रा हम कर चुके हैं। 1857, 1957, 2057 मैंने करीब करीब 200 साल का यात्रा हम लोग का अनुमान कर पहले जान लें हम लोग, पहले ये जान लें चर्चा करने के पहले कि अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए, कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बताइए, जोर से बोलो ना। वेरी गुड, वेरी गुड। इसने कुछ बताया नहीं और हमने उसको कहा वेरी गुड, कहा कि बैठ जाओ, तुम बताओ तो, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जोर से, सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक ठीक। और लड़की लड़की में से एक तो एनीबॉडी, जब पूछा जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बताइए, अपने अपने बोलो ना, हम क्यों किसी को कहें कि तुम बोलो, एनीबॉडी, उसको वो तो बोल ही चुकी है। वेरी गुड। अब खाली एक लड़का इधर से, वेरी गुड वेरी गुड। इसका मतलब है कि जिस ट्रैक पर हम तुम लोगों को डाल रहे हैं वो ट्रैक तुम लोगों ने पकड़ लिया है। पहले क्या होता था, अभी भी इंटरव्यू हम लोग ले रहे हैं बीपीएससी यूपीएससी का, हम लोग पूछते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बताइए, स्टूडेंट सीधा शुरू कर देता है ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड के बारे में बताना। पूछा गया ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बताइए, वो शुरू कर देते हैं इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बताना। सही बता रहे हैं फिर भी उनको नंबर नहीं मिलता, क्यों? कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जितनी भी यूरोप से कंपनियां आई, एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, महादेश है, तो यूरोप से जितनी भी जितने देशों की के लोग व्यापार करने आए, सबने अपनी कंपनी का नाम रखा ईस्ट इंडिया कंपनी। अब स्टूडेंट होता क्या है, जब आपसे पूछा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बताइए तो स्टूडेंट सहम जाता है, संकोच हो जाता है, डर जाता है, हिम्मत नहीं पड़ती है कि अब एग्जामिनर से हम पूछे कि सर किस ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आप जानना चाहते हैं, डरिए नहीं, एग्जामिनर से आप पूछिए, पोलाइटली विनम्रता से पूछिए कि श्रीमान किस ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आप जानना चाहते हैं, हम पूछेंगे ही नहीं। इसका माने उस स्टूडेंट को सारे ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जानकारी है, राइट? ये तरीका है। बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर सवाल पूछा गया, अब हम भी सवाल पूछें, हमने नहीं, यह संकोच का बात नहीं है, आप टोटल सही आंसर देंगे उसके बाद ही नंबर आपको मिलेगा जीरो। वो जानना चाह रहा है कि आप सभी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में और सभी देशों की ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जानते हैं कि नहीं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी समय समय पर विभिन्न यूरोपियन देशों के व्यापारी आए, सबने ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से व्यापार किया, क्लियर? सब में आपस में लड़ते भी रहे, वर्चस्व की लड़ाई उनमें होती रही, अंत में सबको हरा करके ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी अपने को स्थापित कर गई, क्लियर?
सबको हरा करके, फ्रांसीसी आए, डच आए, सबको हरा करके समय समय पर, ये अलग चैप्टर हम लोग पढ़ा चुके हैं कि सबको हराने में इंग्लैंड सफल क्यों रहा, तो ये हम लोग पढ़ा चुके हैं। उतना डिटेल में हम इस क्लास में चर्चा नहीं करेंगे, इसलिए ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं उसको। तो हम लोग, अब कंपनी जब आई, ईस्ट इंडिया कंपनी 1773, याद रखिएगा, वहां से हम लोग शुरू करेंगे और 1856 पर आके हम लोग रुक जाएंगे। इसलिए 1856 के बाद 1857 की क्रांति हुई, और 1857 की क्रांति के बाद कंपनी का रूल खत्म हो गया। पहले ब्रिटेन शासन करता था कंपनी के थ्रू, अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्ट शासन था ब्रिटेन का कंपनी के थ्रू। ईस्ट इंडिया कंपनी ही सब रूल रेगुलेशन पास करती थी। जब विद्रोह हुआ तो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से ब्रिटेन की महारानी ने वो सारा ताकत छीन लिया और वो सीधा महारानी के हाथ में चला गया। तो 1857 के बाद ब्रिटेन की महारानी का प्रत्यक्ष शासन, डायरेक्ट रूल हो गया, क्लियर। और 1857 के पहले जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के नुमाइंदे कहिए, अंग्रेजी में रिप्रेजेंटेटिव कहिए या प्रतिनिधि कहिए, वो जाने जाते थे गवर्नर जनरल के नाम से, गवर्नर जनरल के नाम से। 1857 की क्रांति के बाद पोस्ट वही रहा, पोस्ट का नाम बदल गया, वो वायसराय के नाम से जाने लगे, राइट। इतना हम लोग कर चुके। अब आप हेडिंग दीजिए कंपनी की शासन नीति, कंपनी की शासन नीति और वैधानिक विकास। कंपनी की शासन नीति और वैधानिक विकास, वैधानिक माने लीगल, वैधानिक के बगल में कानूनी लिखोगे तो तुमको समझ में ज्यादा आएगा, वैधानिक ज्यादा कड़ा शब्द है हिंदी का, वैधानिक / कानूनी विकास। वहां ब्रैकेट में लिखो 1773 से 1856, 1773 से 1856 एडी, इस समय मत लिखो, इस काल अवधि के प्रमुख अधिनियम, इस काल अवधि के प्रमुख अधिनियम निम्नलिखित थे। इस काल अवधि के प्रमुख अधिनियम निम्नलिखित थे। पहला, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। दूसरा, 1784 का पिट्स इंडिया, PIETS, पिट्स इंडिया एक्ट। सत्रह सौ तिरानवे का चार्टर अधिनियम। नेक्स्ट, 1813 का चार्टर अधिनियम,
नेक्स्ट 1833 का चार्टर अधिनियम और 1853 का चार्टर अधिनियम, इसको रिपीट करेंगे, जिसका छूट गया है आप मिला लीजिएगा। प्रमुख अधिनियम है पहला 1773, दूसरा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, तीसरा 1793 का चार्टर अधिनियम, नेक्स्ट 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम और 1853 का चार्टर अधिनियम हो गया। अब हम लिखो, अब हम अब हम प्रत्येक की चर्चा अब हम प्रत्येक की चर्चा थोड़ी विस्तार पूर्वक करेंगे। पहला 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट सर्वप्रथम 1773 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट नाम से एक अधिनियम पारित करके कंपनी शासन को नियंत्रित करने का प्रथम प्रयास किया था। क्लियर। अब देखो इसके आगे बढ़े हम लोग, पहले समझो, जैसे कि क्लास शुरू हुआ तो सारे लड़के लड़कियां इस क्लास के अंत तक बेंच तक बैठे हुए थे और इधर का पूरा बेंच खाली था। हमने क्या किया, हमने कहा कि पीछे के दो तीन बेंच के बच्चे इधर आ जाइए और इधर उधर अपने को सेट कर लीजिए। उससे क्या हुआ, एक सिमेट्री दिखाई दी, अच्छा लग रहा है। ये हमने क्या किया, रेगुलराइज किया। रेगुलेटिंग एक्ट मतलब कि जो तितर बितर कुछ कुछ कंपनी का शासन होता था उसको एक तरीके से सिमेट्री कर देने के लिए रेगुलेट किया गया। मैंने क्लास में किया ना, पहले का क्लास अब का क्लास तुम लोग देखो, बेटर लग रहा है, हर जगह भरा भरा लग रहा है, हर आदमी हमको ठीक से देख पा रहा है, तुम लोग भी हर तरफ हर एंगल से देख रहे हो हमको। ये हमने रेगुलराइज कर दिया, क्योंकि इसके पीछे पहले इरेगुलराइज था। तो उसी तरह से कंपनी का शासन था
तो 1600 में कंपनी आई, 1498 में नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन आई 1600 में, 1600 से 173, राइट, 1773 में ना कानून बना, और 173 साल तक तो ईस्ट इंडिया कंपनी यहां शासन करती रही ना, बात समझ में आ गया। उस समय कोई निश्चित कानून या निश्चित प्रक्रिया एक सिमेट्रिकल अंदाज में नहीं थी, तो काम करने में दिक्कत क्या होती थी, फायदा क्या होता, नुकसान क्या होता, उसकी चर्चा हम यहां नहीं करेंगे। लेकिन कुछ चीज था जो समझ में नहीं आता था। अब मद्रास में कुछ हो रहा, संचार का नियम, तो संचार की सुविधा तो थी नहीं, ये सुविधा नहीं थी, इस बात को समझिएगा, ये सुविधा नहीं थी, ट्रेन थी नहीं, संचार के माध्यम कुछ था ही नहीं। तो एक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चल रहा है, इंडिया तो वही था ना, राधर इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पूरा देश जो था, और श्रीलंका और जो आसपास के देश हैं, ये सब रहे होंगे। तो सब की बात हम लोग छोड़ दें, अपने देश का बात, हमारा देश कोई छोटा देश था, क्षेत्रफल के हिसाब से तो हम थे ही बड़े। तो ईस्ट इंडिया कंपनी काम करती थी, वो काम करने लोग आया था व्यापार करने के लिए, सीधा केवल आया था केरल में, केरल के भी मालाबार तट पर मसाला के व्यापार के लिए आया था। बाद 173 साल तक मसाले का व्यापार ही ना करता रहा, क्लियर, 173 साल तक मसाला नहीं बेचता वो लोग रहा, वो लोग धीरे 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 आपके आपके आपकी कमजोरी को समझ करके किलेबंदी करता रहा, मुगल बादशाहों से सलाम ठोक करके अनुमति लेता रहा कि 4 मकान बना लें, उसको सेटलमेंट कहा गया। फिर सर हमारे मकान, हम लोग कारखाना बना लें, कारखाना बना लो भाई, तो कारखाने में लूट खसोट हो रहा है सर, तो कारखाने की सुरक्षा के लिए क्या चाहते हो बोलो, तो इसको जैसा फोर्टिफिकेशन, किलेबंदी कर ले। देखिए 173 साल में क्या हुआ, आया था व्यापार करने, अब वो सलाम करते करते, राजा मुगल एम्पायर को खुश करते करते हमारे घर में घुस गया, शासन करने लगा, अचानक नहीं, पहले व्यापार किया, उसके बाद से फैक्ट्री, ध्यान से सुनिएगा, हम स्टेज बाय स्टेज बता रहे हैं, पहले व्यापार किया, उसके बाद थोड़ा सा और सोचा तो कारखाना लगा लिया। तो उसके बाद से सोचा कि कारखाना में है तो मेरा मजदूर, मेरा आदमी, मेरा इम्प्लाई जो यहाँ का वहां का, बाहर से ब्रिटेन से इम्प्लाई लाएंगे, वो रहेगा कहाँ। तो फिर मुगल दरबार में फिर जाके फिर सलाम ठोका कि हजूर थोड़ा सा कुछ मर मकान बनाने का, उसको सेटलमेंट कहा गया, बनाने का इजाजत दे दीजिए, बनाओ भाई, जमीन हमारी, पैसा उसका, लेकिन नियत में खोट थी, चालाकी थी, धूर्तता थी, बना लिया। फिर पहुंचा दरबार में कि हजूर हम तो अब तो लूट खसोट होने लगा है, तो थोड़ा सबसे बचने के लिए, बचने के लिए क्या चाहते हो, मुगल एम्पायर विलासिता में डूबा हुआ था, औरंगजेब तक तो ठीक ठाक चला है, उसके बाद तो फिर तो नाम निशान धीरे 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 बिल्कुल डिक्लाइन फेज में चला गया मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर का पतन इनके उत्थान का कारण बन गया, राइट, मुगल एम्पायर का सूरज डूब रहा था और ब्रिटिश शासन का सूरज ऊपर जा रहा था। तो सर ऐसा करते हैं कि सर 5 को 10 को 20 मकान है ना सर, एक तो छोटा सा कॉलेज सर, इसके चारों बगल सर इसको किलाबंदी कर लें। किलाबंदी मतलब किला नहीं बनाएंगे, लेकिन 4 को 10 घेर देते हैं इसको, थोड़ा सा घेर दिए, तो
ये सर तो घेर दिया तो सर ऐसा करते हैं सर कि चारों कोना पर एक उसी पाही रख देते हैं सर, राइट। देखिए कितनी चतुरता से धीरे धीरे धीरे, आपको पता भी नहीं चला सिपाही रख दिए चार को, चार कोना पर चार को सिपाही हो गया। फिर वो सिपाही चार से चार के बदला आठ हो गया, किले बंदी बढ़ती चली गई। उसके बाद जब सिपाही रखने लगा तो भीतर में उसके कैंपस के अंदर सेना रखने लगा, राइट। अब सेना जब हो गई तो उसके बाद से डिवाइड एंड रूल, लोगों को आपस में भड़काना और आपस में लड़ाना। फिर तो हिंदुस्तान वास्तविक रूप से गुलाम हो ही गया, जबरदस्ती नहीं, बहुत विनम्रता से उन लोगों ने हमको हड़पा। लेकिन एक मद्रास में है, एक बंगाल में है, एक गोवा में है, एक केरला में है, एक बिहार में है, एक पश्चिम उड़ीसा, बिल्कुल उड़ीसा में है। तो कंट्रोल करना जब कोई साधन नहीं है, ये है ही नहीं, ट्रेन है ही नहीं, तो दिक्कत तो होती होगी। तो 173 साल के बाद, करीब 200 साल के बाद, 200 ईयर्स के बाद दिमाग में आया कि अब थोड़ा सा मजबूत भी हम लोग हो चले हैं और अपने अपने कंपनी के नुमाइंदा, अपने कंपनी के कर्मचारियों और अफसरों को नियंत्रित किया जाए। देखो कर्मचारी वो आया और उसका मालिक है ब्रिटेन में, तो जो कर्मचारी आया वो भी तो भ्रष्टाचारी हो गया, बात समझा, वो भी तो लूटने लगा। चार बंडल आया, कहा कि दो बंडल तो भींग गया और दो बंडल को बेच दिया। तो इस तरह से देखा कंपनी के हम लॉस में जा रहे हैं और अनियंत्रित हो गया, अनकंट्रोल्ड हो गया, अनरेगुलेटेड हो गया। तो कंपनी के दिमाग में आया, अभी रानी पिक्चर में नहीं आई है, अभी कंपनी है, कंपनी के दिमाग में आया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा कि देखो भाई केरला का मामला और बिहार का मामला, गोवा का मामला और कटक का मामला, कश्मीर का मामला और दरभंगा का मामला, भैया समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसा किया जाए, एक कानून बनाया जाए जिससे कि सब उस कानून से सब कोई उस कानून के अंतर्गत बंधा रहेगा, नॉट ओनली फॉर केरला, नॉट ओनली फॉर मलाबार, नॉट ओनली फॉर कोकण एंड गोवा। एक कानून बनाया जाए जिससे सब कोई गवर्न हो। तो नाम रखा गया रेगुलेटिंग एक्ट। तो क्या लिखा है मैंने, रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश सरकार का प्रथम प्रयास था, राइट। इसके पहले भी तो शासन चल ही रहा था ना, उन लोगों को लगा कि अब मेरा शासन और अच्छा तरीका से चलना चाहिए। क्लियर, आगे लिखिए। रेगुलेटिंग एक्ट एक महत्वपूर्ण अधिनियम था परंतु उसमें अनेक दोष थे, और अगर इसकी 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 विवेचना की जाए, ब्रैकेट में एनालिसिस किया जाए तो हम इसी नतीजे पर पहुंचते हैं,
कि यह एक अधूरा कानून था। लाल से लिखेंगे इसको, यह एक जिनके पास लाल कलम नहीं वो लिखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट, यह एक अधूरा कानून था और उन सभी अधिनियमों में सबसे कमजोर और निकृष्ट था, जिनको इंग्लैंड की संसद ने, इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने भारत के लिए समय समय पर पारित किया था, अब आप एक काम करो, अब नेक्स्ट नेक्स्ट बोलेंगे हम, कम से कम चार लाइन छोड़ो, चार से पांच लाइन छोड़ो और सेकंड लिखो। 1784 का 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट सत्रह सौ तिहत्तर के रेगुलेटिंग एक्ट, के दोषों को, कमियों को लिखो, कमियों को दूर करने के लिए, तथा भारत में, कंपनी के लगातार राज्य विस्तार से बढ़ती समस्याओं के समाधान के लिए पिट्स इंडिया एक्ट पास हुआ। जिसने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनेक दोषों को दूर कर दिया। परंतु अब भी अनेक कमियां थी, अतः अब चार लाइन छोड़ो, अतः केवल चार चार पांच लाइन छोड़ो, चलो चलो पन्ना उल्टो जल्दी, हाँ रुको। कंपनी व्यापार कर रही है, इसलिए इसमें क्या ऐड हुआ?
लगातार राज्य विस्तार, लगातार अब वो केरल तक, मलाबार तट तक सीमित नहीं है। उसकी महत्वाकांक्षा, कंपनी की महत्वाकांक्षा बढ़ रही है, तो लगातार विस्तार धीरे धीरे हो रहा है। अरे भैया, तो विस्तार होगा तो अचानक सब कोई आपके रूल को स्वीकार नहीं कर लेगा ना, कहीं विरोध होगा, फाइट होगा, संघर्ष होगा, आप जीतिएगा तब सरेंडर होगा। क्लियर? तो कुछ तो प्रॉब्लम होता होगा ना। क्या लिखा है कि समस्याएं के समाधान को, और कौन समस्या होगा? तुम भाई सामान आए हो, मसाला बेच, मसाला किनो और बेचो, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। तुम आया था मसाला का व्यापार करने के लिए मुख्यतः, इलायची और क्या क्या मसाला वहां होता है, दालचीनी और क्या बोलते हैं कि जो भी मसाला का भंडार है, उस सब वहां होता था, बेचो, कौन मना करता है। लेकिन जब राज्य विस्तार होने लगा तो महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी। जब महत्वाकांक्षा बढ़ेगी तो उसका विरोध होगा ना, जितना हो सकेगा विरोध होगा। तो विरोध होगा तो संघर्ष होगा ना, हम जीते चाहे हारे लड़ेंगे ना अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, बाद में सरेंडर करेंगे। तो बीच बीच में जो एक एक वर्ड यूज करते हैं, कितने बच्चे इसमें क्रिकेट जानते हैं या सुने हैं? लड़के लोग, उसमें एक टर्म आता है वॉक ओवर, टर्म आता है वॉक ओवर, जानती हो? नहीं जानती? तुम जानते हो वॉक ओवर? एनीबडी? वॉक ओवर क्रिकेट में एक वर्ड है, वॉक ओवर एक वर्ड है क्रिकेट में, मतलब कि हम जान रहे हैं कि हमारी हार, अब एक विकेट बचा हुआ है, अब बॉलर खेल रहा है, लास्ट विकेट बचा हुआ है, बॉलर खेल रहा है, आ 4 गो बॉल बचा हुआ भी है एक ओवर में, रन बना रहा है 8-9 गो, तो क्या बना पाएगा समझ ही लो। तो सुनिश्चित हार, हम हार नहीं रहे हैं न हम डिक्लेयर कर रहे हैं, लेकिन एक तरह का वॉक ओवर है कि हम हार गए, समर्पण नहीं है लेकिन हार तो निश्चित है। तो जबकि कंपनी ने राज विस्तार शुरू किया अपना, तो वॉक ओवर कहीं नहीं मिला इंडिया में, समझे, आसानी से उनको नहीं मिला कि हाँ आइए अच्छे हम लोग आपके प्रजा हैं, ऐसा कहीं नहीं हुआ। समझ रहे हो? कमजोर ही देश था लेकिन लड़ता था, तुमको वॉक ओवर कहीं नहीं मिला। तो जो वॉक ओवर नहीं मिला तो समस्या उत्पन्न हुआ, उस समस्या का समाधान का कोई साधन तो था नहीं, तो पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। पिट्स इंडिया एक्ट भी कमजोरे निकला, उसने 73 के बहुत चीज को सुधारा लेकिन उतना काम नहीं हो पाया। तो मैंने क्या अंत किया है उसका, अतः, थर्ड, अतः, अतः उन कमियों को दूर करने के लिए, उन कमियों को दूर करने के लिए एक कानून बनाना आवश्यक था, एक कानून बनाना आवश्यक था। 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम
चार्टर अधिनियम पास हुआ इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल और गवर्नरों को अपनी परिषदों के निर्णय बदलने का अधिकार दिया गया। फुल स्टॉप। मद्रास और बंबई की सरकारों पर गवर्नर जनरल का नियंत्रण बढ़ा दिया गया कलकत्ता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को महासमुद्र तक बढ़ा दिया गया। अब लाल से लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस अधिनियम के अनुसार बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों और कर्मचारियों के वेतन आदि के देने की व्यवस्था अब लाल से लिखिएगा, लाल से लिखी रही हो और लाल से लिखो। अब जो हम बोलेंगे वर्ड उसको लाल से लिख के नीचे लाल से अंडरलाइन भी करेंगे। लाल से तो आप लिख ही रहे हैं और जो हम बोलने जा रहे हैं वर्ड, दो तीन वर्ड बोलेंगे उसको लाल से अंडरलाइन भी करेंगे। वेतन आदि के देने की व्यवस्था भारतीय राजस्व से की गई। अब एक सेकंड आप रुकिए, फिर हम लोग शुरू से वही आ जाएंगे बहुत फास्टली। आप सोचिए जरा सा, कभी कभी हम खुद सोचते हैं कि इस देश को आजाद करने के लिए मतलब कितनी लंबी गुलामी थी मुगलों का शासन, अंग्रेजों का शासन है ना। मुगल इंडिया के नहीं थे, बाहर से आए थे 1526 1947 करीब कोई 400 साल। और पहले से जाइएगा मतलब कि क्या बोलते हैं कि मुस्लिम रूल तो और पीछे जाएगा, 1000 से एक चला जाएगा। लेकिन मारिए गोली उस उतना पीछे जाने का, मुगल रूल से चलिए 1526 से 1947।
आधा दूर तक यूज में रूल किया मुगल एम्पायर, उसके खत्म होने पर रूल किया इंग्लिश एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर, मोटा मोटी 400 साल। 400 साल की गुलामी को खत्म करने में कितना संघर्ष हुआ होगा, कितने लोग बलिदान हुए, कितनी बहनें विधवा हो गई, कितने लोगों को आप जानते हैं, हम जानते हैं, कितने ऐसे लोग मर गए, बलि आहुति दे दी गई जिनको कोई जानता भी नहीं। इतनी मुश्किल से इस आजादी को हमने प्राप्त किया, ध्यान से सुनिएगा। और अब इस भारत में जहांगीरपुरी जैसी घटना होती है, आपको अच्छा लगता है? कितने लोग समझे मेरी बात को? मेरी बात को कितने लोग समझे? खट से नहीं कुछ समझा, नहीं कुछ समझा, हम समझ गए। दिल्ली, दिल्ली में जो हो रहा है ये किसी को मालूम हो रहा है कि नहीं? दिल्ली में क्या हो रहा है? एनीबॉडी? दिल्ली में अभी क्या हो रहा है किसी को पता नहीं है? बहुत हमको तकलीफ दे रहा है। अभी हिंदुस्तान एकदम शांत है, मीठा देश है, क्या दिक्कत हो रहा है दिल्ली में? क्या दिक्कत हो रहा है? तुम बड़ी चीज है ना, निर्दोष हिंदू मारा जा रहा है, अनिर्दोष मुसलमान मारा जा रहा है। समझ लीजिए कि कंकड़बाग नहीं है पटना है, सॉरी कंकड़बाग नहीं है दिल्ली है, जहांगीरपुरी एक इलाका है। हम लोग सभी हिंदू हैं, 5 आदमी आया और सबको मार के चला गया, बढ़िया बात है ना। उसके बाद 5 हिंदू उठे और किसी मदरसा में जाकर के 50 मुसलमान को काट दिए, बढ़िया बात है ना? नहीं ना? अच्छा बात है, खराब बात है? तो सोचो जरा सा किस तरफ हम जा रहे हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं और क्या हासिल होगा इससे? इतना आदमी को मार देने से महंगाई खत्म हो जाएगा? इतना मुसलमान को मार देने से मिल जाएगा नोबेल प्राइज? हासिल क्या होगा? कुछ नहीं। कुछ प्राप्त होगा? ये पागलपन नहीं तो क्या है? और इसमें इसमें कौन वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है? मैंने कल भी लेक्चर दिया था, 1 घंटा आज उतना लेक्चर लंबा नहीं देंगे। कल इस पर हमने 1.25 घंटा लेक्चर दिया था कल इंग्लिश बैच में। सबसे प्रभावित कौन वर्ग हुआ हिंदुस्तान का? हम प्रभावित हुए? आप प्रभावित हुए, आप प्रभावित हुए, तुम प्रभावित हुए। इससे ज्यादा पॉलिटिकल कमेंट हम नहीं करेंगे। मेरा काम पॉलिटिकल कमेंट करना नहीं है, बस ये सोच के दुख होता है 2 चीज के लिए। कितने लोग हवन हवन देखे हैं या करते हैं? हवन नहीं जानते हवन, ठीक है? पंडित जी क्या करते हैं डालने को? स्वाहा तो कहा जाता है, डालती क्या हो? हैं? वही हुमाद तुम लोग हो, हम लोग नहीं है। इस हवन कुंड में हुमाद के रूप में कौन डाला जा रहा है? हम थोड़े बूढ़ा थोड़े जाता है हुआ, हम जाए लड़ने जाएंगे? हम सोचित रसा इस युवा वर्ग को चाहिए जॉब, चाहिए सिक्योरिटी। आप क्या कर रहे हैं? हाँ ठीक है, मारा जाए, आपने यहां पर बांध लिया,
अजय श्री राम। हनुमान जी अब शेड्यूल कास्ट में जन्म ले लिए। हनुमान जी शेड्यूल कास्ट के हैं। कहां कौन रिसर्च हुआ, कहां कौन किताब निकला कि अचानक राजस्थान के गांव में हनुमान जी का जन्म हो गया। कहा गया, घोषित किया गया सरकार ने कि ना ना ना, इन पर दावा बिहार बंगाल उड़ीसा के नहीं है, ये हमारे हैं, शूद्र जाति के हैं। ल वो बेचारे मंगल शनिवार को अपने परेशान है, वो अपने तबाह है कि जब मंगल शनिवार को मेरा होता था वो लगता कि वो भी हाथ से जाएगा। कहा सोचिए जरा सा किधर किधर हम लोग जा रहे हैं। तो सब बचना चाहिए, तो सब बचना चाहिए। और तकलीफ क्या होता है, इसमें आहुति दी जा रही है युवा वर्ग की। युवा वर्ग ही देश का कर्णधार है, युवा वर्ग ने ही देश को आजादी दिलाई है। और उसी वर्ग की क्या कहते हैं उसको, पंडित जी क्या कहते हैं, कौन स्वाहा क्या कीजिए। चलिए हम लोग, हाँ तो हम लोग रुके हुए क्या थे कि कंपनी ने, देखिए देखिए क्या चालाकी थी, कंपनी रूल कर रही है इंडिया पर, कंपनी पैसा कमा करके सीधा भेज रही है ब्रिटेन, यहां नील का उत्पादन करा के चंपारण में, वो तो याद ही होगा तुम लोगों को, फिर उसको पढ़ाएंगे, अच्छा से पढ़ाएंगे, लेकिन नील वाला, यहां का कच्चा सूत सस्ता खरीदा। खरीदा क्या, जब राजे था यहाँ का रूलर का तो खरीदा कौन सी, कोड़ा मार करके किसान को हुआ कि नहीं इतना में तुम लोग ये फसल रोपेगा, उपजाया, आपने कच्चा माल को भेज दिया ब्रिटेन। अब वहां मैनचेस्टर से सूती कपड़ा का जो मशीन है, इंडस्ट्री है, वहां से वही कपड़ा रिफाइन होकर इंडिया में आया। ध्यान से सुनना, भारत का कच्चा माल जबरदस्ती यहां के किसानों से उपजा करके, उपजाने को बाध्य करके कंपनी ने भेजा, सस्ते मूल्य पर औने पौने दाम पर खरीद करके भेजा ब्रिटेन। मैनचेस्टर में कंपनी ने उसको बनाया अपना रिफाइन कॉटन कपड़ा, वो कपड़ा आया इंडिया में, यहां कुछ कपड़ा का मिल था नहीं, वही कपड़ा पहनिए। आपका बना हुआ सामान, आपका उपजाया हुआ सामान आपको कब मिला, ब्रिटेन से घूम करके आया, और कम से कम 10 गुना 20 गुना दाम पर मिला। इतना क्लियर हो गया। और सबसे सबसे निंदनीय खतरनाक बात क्या थी कि जो भी अंग्रेज सरकार कंपनी का खर्चा होता था प्रशासन में और अमला जमला वेतन पलना ठिकाना देने में, वो कौन देता था, इंडिया देता था। शोषण, सोचिए शोषण की पराकाष्ठा थी, हम तुम पर रूल करेंगे, अब मेरा पूरा खर्चा तुम देगा। अब सोचिए आखिर 1857 की क्रांति हुई, लोग मरने मरने पर उतारू हो गए, तभी ना सहते सहते लोग की उन लोगों की सीमा पार कर गई। लोग ये सोचे कि ये भाई और इससे भी तो मर ही रहे हैं और रोज मर रहे हैं, तो इस अंग्रेज को मारो, अब फांसी तो लगने है। ये कब हुआ, 1857, 1857। तो 1857 अचानक बिजली का स्विच थोड़े था, 1857 हो गया, उसकी पृष्ठभूमि शोषण और शोषक
दोनों का टसल, दोनों का वो चलता रहा। कभी तो शोषक जो शोषित वर्ग है वो बर्दाश्त करने करते 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 थक जाएगा, थकेगा तो सोता नहीं है, वो विद्रोह करता है, अस्त्र उठा लेता है। अस्त्र क्यों? अस्त्र उठा, देखो कोई कोई किसी को मारना नहीं चाहता, वो देख रहा है कि हम तो ऐसे भी रोज मर ही रहे हैं, बहु बेटी का इज्जत सुरक्षित है ही नहीं, तब मर ही रहे हैं तो चलो साले को इसको सर पर कफन जब बांध लिया तो फिर तो कुछ रहा नहीं। ये हाइट था कि उनका खर्चा ब्रिटिश सरकार का खर्चा इंडिया में कौन उठाता था? इंडियन। क्या बोले थे कि लाल से लिखो और उसको अंडरलाइन करो कि उनका खर्चा भारतीय राजस्व से होता था, उसके बाद जो बचता था वो लगता था विकास में। क्या विकास हुआ तो दुनिया देखा, अंग्रेजों ने हम लोगों का क्या विकास किया वो तो सामने का चीज है। क्लियर? आगे लिखिए। और इसके उसी लाइन में है, इसके साथ ही कंपनी की आर्थिक व्यवस्था को भी नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। नेक्स्ट पैराग्राफ। 1793 के इस अधिनियम के बाद 1793 के इस अधिनियम के बाद प्रत्येक 20 वर्ष के बाद क्रमशः 1813 ईस्वी कौमा सन 1833 ईस्वी और 1853 ईस्वी 1833-1853 में ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियम पास किए गए। सन 1793 के अधिनियम की तरह ये अधिनियम भी कंपनी को अब लाल से लिखेंगे और नीचे अंडरलाइन करेंगे, आज्ञा पत्र कंपनी को ब्रिटिश संसद द्वारा आज्ञा पत्र ब्रैकेट में चार्टर के रूप में दिए गए थे। इसीलिए इन अधिनियमों को चार्टर अधिनियम भी कहा जाता है।
नेक्स्ट नेक्स्ट में कम से कम 4-5 लाइन छोड़ना होगा, कम से कम 4-5 लाइन छोड़ना होगा। हेडिंग दीजिए, सन 1813 का चार्टर अधिनियम, सन 1813 का चार्टर अधिनियम। इससे पहले कि हम इसकी विस्तृत विवेचना करें, उस समय की पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड को जानना भी बहुत ही जरूरी है। सत्रह सौ तिरानबे के अधिनियम द्वारा कंपनी को पुनः आज्ञा पत्र या चार्टर देने का प्रश्न खड़ा हुआ। नहीं, कंपनी को 20 वर्ष के लिए शासन का आज्ञा पत्र दिया गया था 1793 के अधिनियम के द्वारा। कंपनी को 20 वर्ष के लिए शासन का चार्टर या आज्ञा पत्र दिया गया था। इस 20 वर्ष का टाइम या समय खत्म होने के बाद 20 वर्ष का समय खत्म होने के बाद 1813 में कंपनी को फिर, वैसे नहीं, हम खुद 2-3 बार बोलेंगे, हमको बीच में कोई मत टोकना, हम फिर 2-3 बार बोलेंगे उसको, आप अपना करेक्ट कर लो। 1793 के अधिनियम द्वारा कंपनी को 20 वर्ष के लिए शासन का आज्ञा पत्र दिया गया था, राइट? क्लियर है सबको? अब 20 वर्ष की समाप्ति के बाद 1813 में कंपनी को फिर आज्ञा पत्र देने का प्रश्न खड़ा हुआ। हो गया, 20 वर्ष पूरा हो गया तो 1813 में फिर उसको रिन्यू करना था ना। अब आप लाल कलम निकालो और लिखो, पहले वेरी वेरी वेरी, तीन को भी लिखो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन अब टोटल लिखाएगा लाल से, उसके पहले आप हेडिंग दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा सोचो ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी, लूट रही थी, पैसा कमा करके इंग्लैंड जा रहा था। वो पैसा इंग्लैंड के पूरा पब्लिक को मिल रहा था। कंपनी के डायरेक्टर्स थे, बोर्ड थे, वो 15-20 आदमी थे, वही लोग राजा रजवाड़ा सब हो रहे थे। बात समझ में आया? दैट मनी वॉज नॉट गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द ब्रिटिश पॉपुलेशन। क्लियर? जो पैसा यहां से लूटे, हम कहेंगे, हम कमाई क्यों कहेंगे उसको,
हम उसको लूट कहेंगे। कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से जो लूट रही थी, क्या उसका फायदा ब्रिटेन की जनता को हो रहा था? नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने क्या कहा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिखो। इतिहास का टर्निंग पॉइंट आप नहीं समझोगे तो रटने से थोड़े याद होगा। अभी फायदा कौन किन लोगों को हो रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े हुए कुछ लोगों को। सपोज कीजिए अभियान 40 एक इंस्टीट्यूट है, एक संस्थान है, इसका फायदा पूरे बिहार को मिल रहा है, नहीं ना? अभियान 40 से जो जुड़े हुए लोग उन्हीं लोगों को मिल रहा है ना। इसका ब्रांच खुल गया लखनऊ में, बोरिंग रोड में, दिल्ली में, सब ठीक ठाक है, लेकिन इससे फायदा पूरे इंडिया को मिल रहा है, नहीं ना? उसी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार था, व्यापारी वर्ग था, कुछ लोग थे, 10-20-50-100 जो भी संख्या हो, इतना इतने पॉपुलेशन था ब्रिटेन का, लेकिन पैसा तो लूट तो हो ही रहा था। तो वो आदमी जो व्यापारी था वो ब्रिटेन की जनता का ही आदमी था ना। बहुत ध्यान से सुनिएगा, तो जो कल एक गाड़ी पर चढ़ता था और 5-10 साल बाद वो हवाई जहाज पर चलने लगा, फिर हवाई जहाज खरीद लिया अपना वो, तो गरीबी और अमीरी छुपती नहीं है। कब नहीं छुपती है? जबकि दोनों अचानक हो जाए। स्लोली होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अचानक आप देखिए कि बिल्कुल 5-6 साल में ये आदमी ऐसे हो गया, चाहे गरीब हो गया चाहे धनी हो गया, तो कुछ तो कारण होगा। क्लियर? अब आगे लिखिए। तो वहां तो हम लोग आ गए हैं कि 1813 में कंपनी को पुनः, अब लिख क्यों रही, तो लिख ही चुकी हो, पुनः आज्ञा पत्र देने की प्रश्न देने का प्रश्न खड़ा हुआ, हुआ ना? 20 बार रिन्यूअल होगा ना, इतना क्लियर है कि नहीं? हाँ। अब इंग्लैंड की जनता में कंपनी के विरोध में, अब इंग्लैंड की जनता में कंपनी के विरोध में आवाज उठी। अंडरलाइन करो, अंडरलाइन भी करो इसको। इसलिए ऐसी घटना न पहले हुई थी न बाद में हुई थी कि कंपनी के विरोध में अंग्रेज अंग्रेज की मैंने ब्रिटेन ही खड़ा हो गया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? क्लियर? आगे लिखिए। इंग्लैंड की जनता का कहना था, लाल से लिखती रहो, इंग्लैंड की जनता का कहना था, इंग्लैंड की जनता का कहना था कि भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार, इसको अंडरलाइन करो, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार ब्रैकेट में मोनोपोली MONOPOLY मोनोपोली का अंत किया जाए, अब रुकेंगे एक मिनट रुक, क्या मेरी तरफ देखिए, तुम पैसा कमाने लगा, अब फटक चंद गिरधारी से तुम हो गया राजा, हमारे साथ तुम रहता था, तो मेरे दिमाग में उठा कि एब सर यही कहे व्यापार करेगा, बात समझे, मोनोपोली व्यापारिक अधिक, ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार क्यों करेगी, हम लोग भी करेंगे व्यापार। क्लियर?
जो सक्षम है हम लोग ही करेंगे व्यापार। ये ब्रिटेन के और भारत के इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट है। लिखिए आगे, लिखिए अन्य एकाधिकार का अंत किया जाए और अन्य लोगों को भी, और अन्य लोगों को भी भारत के साथ व्यापार का अवसर प्रदान किया जाए। अन्य लोगों को भी व्यापार का अवसर प्रदान किया जाए, इसको अंडरलाइन करो, अंडरलाइन करो। नेक्स्ट पैराग्राफ, अतः इसी पृष्ठभूमि में सन 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट, ब्रैकेट में आज्ञा पत्र अधिनियम, पास किया गया। आज्ञा पत्र अधिनियम पास किया गया। नेक्स्ट पैराग्राफ, सन 1813 ईस्वी के अधिनियम की मुख्य धाराएं। सन 1813 ईस्वी के अधिनियम की मुख्य धाराएं निम्नलिखित थी, निम्नलिखित थी। पहला, इस अधिनियम के द्वारा भारत के साथ, अब लाल से उठाइए, लाल लाल से उठाइए, लाल उठा लिए हैं तो लिखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, एक वर्ड बोलेंगे उसको घेर देना है। चाय को छोड़कर, इसको घेरिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, चाय को छोड़कर अन्य वस्तुओं के संबंध में, चाय को छोड़कर को घेर देना, अन्य वस्तु के संबंध में कंपनी के व्यापारिक अधिकार का अंत कर दिया गया। कंपनी के व्यापारिक अधिकार का अंत कर दिया गया। फुल स्टॉप, एक मिनट रुकेंगे, एक मिनट रुकेंगे। तुम लड़की तुम्हारे पीछे खड़े हो जाओ, क्या समझी इसका माने? लास्ट लाइन का माने क्या समझी? ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार खत्म हो गया, अब और लोग भी व्यापार कर सकता था, राइट? इसके आगे तुम समझी क्या? बैठ जाओ, बैठ जाओ। चाय पर उनका एकाधिकार, गुड, बैठो, गुड। चाय पर कायम रहा कि चाय का व्यापार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। पीटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हम एक एक मिनट में जो रुक जाते हैं, समझिए कोई पीटी का क्वेश्चन है। व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया, राइट? किंतु चाय का व्यापारिक अधिकार का मोनोपोली कंपनी के पास ही रह गया। ये पीटी का क्वेश्चन है, मत कहिए कि सर सर बताए नहीं। नेक्स्ट, भारत में, उसी में है, भारत में
अब ध्यान से सुनिए, इसके पहले के लिखाएं, इसके पहले हम लिखाना शुरू करें, तुम लोगों का जल्दी से गृह जिला का नाम बोलो, अपना गृह जिला लखीसराय, कैमूर, बैठ जाओ, हाँ मधुबनी, गया, राइट। कितने लोगों, ध्यान से सुनिएगा, कितने लोगों के गांव में या गांव के आसपास चर्च है, गिरजाघर? एक लड़का हाथ उठाया, तुम भी उठाई हो, कहाँ है, है, है। आज से, ये बात कब का हो रहा है, 1813 409 साल पहले, ध्यान से सुनिएगा, न रेडियो था, न टेलीफोन था, न बिजली थी, न मलेरिया की कोई दवा थी, न टीबी की कोई दवा थी, कुछ नहीं था। और अप्लस प्लस इंडिया का जानलेवा मौसम, सर्दी तो लगता है कि प्राण निकल जाएगा, हे भगवान कोई तरीका से जल्दी से गर्मी लावा, गर्मी लाया, आदमी कुत्ता जैसा हांफ रहा है, हे भगवान ऐसा जड़ ठीक था, फिर आ गया बरसात, इतना पानी यहां लगेगा। अरे भगवान पूछते कि क्या चाहिए भाई, तुम हर मौसम में गालिये देता, बाप इतना जाड़ा, यहाँ क्लास लेते थे, पूरा पूरा सब पेन कर, तुम देखोगे पुराना वीडियो देखोगे तो जाड़ा वाला वीडियो। प्रभु ने कहा कि भाई तुम लोग क्या चाहते हो भाई, बोला हमेशा तुम गालिये देता है। कहने मतलब ये है कि हम लोग भारत एक एडवर्स, माने हर तीन महीना चार महीना पर बदल जाता है मौसम में, इस बदलते हुए मौसम में जब कोई भी सुविधा 409 साल पहले नहीं थी, पटना में जब नहीं था तो दूर दराज का कहां बात कर रहा है। इस लड़की ने हाथ उठाया, एक लड़का पीछे भी वो हाथ उठाया, इन लोगों के घरों के या जिला के या गांव के आसपास में चर्च थे, आज बना हुआ नहीं है, वही कह रहे हैं। वो स्थापना किया गया था शिव जी के पूजा करने के लिए, चर्च जब बनाया गया था हिंदुओं ने, कौन बनाया था, मुसलमान ना, ईसाई बनाया, कहां से ईसाई था, ये तो हिंदू देश है, बहुत हुआ था मुसलमान हो गया, सिख हो गया, बौद्ध हो गया, जैन हो गया, ईसाई यहाँ का मूल निवासी है कभी नहीं, तो मूल निवासी नहीं तो एकरा ही उनका ही चर्च कहां से बन गया भाई, बात समझिए। इसका माने हुआ कि हम फिर हम जा रहे हैं वही जीरो पर, फिर हम जा रहे हैं 1498 पर, मॉडर्न हिस्ट्री का स्टार्टिंग पॉइंट, केंद्र बिंदु वही है, इसलिए उस बिंदु से तो हम हमेशा चलेंगे, 1498 से मॉडर्न इंडिया का हिस्ट्री हमेशा शुरू होगा। वो आए थे व्यापार करने लगे, बनाने लगे फैक्ट्री बनाने लगे, मकान बनाने लगे, सुरक्षा के लिए गार्ड रखने लगे, किला बनाने लगे, किले बंदी करने लगे, किला के अंदर रखने लगे, क्या बोलते अपना आर्म्स अम्युनिशन शस्त्र रखने लगे और अपना सिपाही रखने लगे, साम्राज्य का विस्तार होता गया, पैसा का लूट हो ही रहा है, कोड़ा मार करके इनसे कहा जा रहा है कि तुमको यही उपजाना है। अब उपज गया तो पैसा कौन चीज, मांगने का औकात कहाँ, इंडिया के आदमी को पैसा मांगने का औकात
औकात कहाँ है, जो फेंक दिया सो हो गया। बात समझिए, इतना जब हो गया, सेटल्ड हो गए, लूट से भी यहाँ का माल से अंग्रेज धनी होते चले गए, तो अब क्या विचार आया दिमाग में, ओ हो, एक काम किया जाए, अब तो सब काम हो ही गया, अब धर्म को प्रचार किया जाए। क्लियर? अब धार्मिक प्रचार माने ईसाई आके यहां शिव जी के, हनुमान जी के वंदना करेगा, अपना धर्म का प्रचार कहां करेगा, पटना में नहीं। मैंने क्या कहा, यहां का चर्च बाद में बना होगा, सबसे पहले चर्च बना होगा सुदूर गांवों में, जंगलों में, और वो पादरी जो 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 इंग्लैंड के जाड़ा में, गर्मी में, वहां के मौसम में रहता था, वो अपने धर्म के प्रचार के लिए, सोचिए जरा सा, इस जलवायु से, वातावरण से लड़ करके वो देहात में पड़ा हुआ है, राइट? हम लोग के यहाँ भी एक चर्च है दूर दराज में, और भी जानने का साधन नहीं है, सोचो जरा सा, और भी अब वो समझो कि जंगल का इलाका है, कम से कम तो 10-15-20 एकड़ में फैला हुआ है चर्च, सो बनाया कौन, आज से 200-300 साल पहले वो रहने आया होगा ना, वो इतना समर्पित है पादरी अपने प्रचार के लिए, उस सब शरीर का तकलीफ, या खाना मिलता होगा उसको, उसके चॉइस का पानी मिलता होगा, दवाई मिलता होगा, कुछ हो नहीं ना जी, उसके बाद भी धर्म के प्रचार प्रसार के लिए वो आया। कहाँ गया, इंडिया में चुना कहाँ, पटना, बेंगलोर और मद्रास और बॉम्बे नहीं, सुदूर इलाकों में जहां कोई सुविधा नहीं थी, नंबर वन, जहां के लोग एकदम गरीबी क्या, शरीर पर कपड़ा नहीं है, पेट में अन्न नहीं है, शिक्षा तो है ही नहीं है, ऐसे इलाकों को चुना गया। तो देखोगे क्या, इंडिया के जितने भी जंगली इलाके हैं, रांची हो, सिंहभूम हो, या छत्तीसगढ़ हो, या मध्य प्रदेश हो, या उड़ीसा का जंगल हो, वहां ज्यादा कन्वर्सन हुआ, धर्म परिवर्तन ज्यादा हुआ, हिंदू लोग, ट्राइबल लोग ज्यादा वहां पर परिवर्तित हो गए, कौन सी में, ईसाई में। काहे, वो कपड़ा देने लगा, आपके बच्चों को पढ़ाने लगा, पैसा नहीं लेता था, इस काम में पैसा नहीं लिया, वो आपको शिक्षित बनाया, और आपका, आप शिक्षित बना के पेट में अन्न दे करके आपको मानसिक गुलाम बनाया ना। आप समझ रहे हैं कि हमको तो, हमको यही नहीं पता है कि हिंदू है कि मुसलमान है क्या है, आप तो गरीबी से जूझ रहे हैं और शिक्षा से जूझ रहे हैं, उस विदेशी ने आकर के आपको शिक्षित किया, पैसा दिया, और एक बात, सबसे बड़ी बात, अब तो खैर हिंदुस्तान बदल चुका है, किसी शेड्यूल कास्ट का हरिजन कहेंगे तो जेल चले जाएंगे, किसी शेड्यूल कास्ट के आदमी को, शेड्यूल कास्ट है, उसके बाद भी अगर आप हरिजन कह दिए, बेइज्जती कर दिए, तो सीधा हरिजन थाना हर जगह है कि नहीं, हरिजन थाना हिंदुस्तान में हर जगह है कि नहीं, महिला थाना हर जगह है कि नहीं है, ये विकास का निशानी है कि नहीं, ये आज की बात कर रहे हैं, आज के हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, उस समय हरिजन थाना था, उस समय का हरिजन कल्पना कीजिए, आपके साथ बैठ के क्लास कर सकता था, आपके साथ बैठ के खा सकता था, कुछ नहीं, तो देख रहा है कि हम तो ऐसे भी पशु से खराब हैं, ऐसे भी पशु से खराब है, समाज नाम का हिंदू समाज है, हमको आदमी समझता कहाँ है, तो आदमी समझ ही नहीं रहा है, तो ये बेचारा इंग्लैंड, अमेरिका, कहीं से हमको मतलब नहीं है, हमको आदर तो दे रहा है ना, हमको आदर तो दे रहा है, तो लोग गरीब तबका ऑटोमेटिकली
आपकी बेइज्जती आपकी उपेक्षा से तंग आकर के ईसाई बन गया। क्लियर क्लियर। अब आगे लिखिए, आगे लिखिए। भारत में वही सेकंड लिखा था हम, भारत में ईसाई धर्म प्रचार के लिए, भारत में ईसाई धर्म प्रचार के लिए अनुमति दी गई, अनुमति दी गई। और इसके साथ ही कंपनी के खर्च पर भारत में एक चर्च की स्थापना की गई। नेक्स्ट नेक्स्ट, पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार की व्यवस्था अधिनियम में कंपनी द्वारा भारत में शिक्षा प्रचार के लिए प्रतिवर्ष 1,00,000 रुपया खर्च करने की व्यवस्था की गई। 1,00,000 रुपया प्रति वर्ष खर्च करने की व्यवस्था की गई। इसके साथ ही कलकत्ता और मद्रास के कॉलेजों को बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नियमों के अनुसार चलाने की व्यवस्था की गई। चौथा, कंपनी के राजस्व का नियंत्रण इस अधिनियम के अनुसार भारतीय राजस्व के प्रयोग के लिए अधिनियम में कहा गया कि अपनी आय से सेना को ऋण लोन देने वाले को
प्याज दे, और असैनिक, असैनिक ब्रैकेट में सिविलियन, और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, सिविलियन और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बनाए रखे, इसके साथ ही कंपनी के ऋण को, लोन को, कंपनी के लोन को भी घटाने की व्यवस्था की गई। रुक जाइए, अभी तक जो 1773 से जो हम लोग चले हैं, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ दम है नहीं, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में कोई दम नहीं है, है ना। मोटा मोटी उस सब में कोई खास ऐसा नहीं है कि कोई क्रांतिकारी परिवर्तन दिखाई दे, ऐसा कुछ नहीं है। 1813 में एकदम आपको ऐसे याद रहना चाहिए, पहला तुम बोलो तो, एक बोलो तो, अभी जो लिखा है उसका एक बोलो, अब देखता क्या है, बिना देखे बोलो, देखने का अभी अभी तो पढ़ा है, देखना क्या है। 1813 का जो लिखा है इसका एक पॉइंट बोलो, बैठ जा, सुनो ध्यान से। पहला कि कंपनी का, इस कंपनी का व्यापारिक मोनोपोली खत्म हो गया चाय को छोड़कर। दूसरा, कंपनी को अधिकार दिया गया कि तुम भाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो, लेकिन चर्च बनाएगा अपना कैसा से। अब तक क्या होता था, अब तक तो ये काम होता ही नहीं था, अब तक नहीं होता था। चर्च अगर तुम बनाएगा तो कंपनी पैसा देगी, और क्या करेगा, जो तनख्वाह उनका देगा मिलिट्री को, आर्मी को, अब तक दिया जाता था इंडिया के मैंने भारत के रेवेन्यू से, अब कंपनी तुम देगा राजस्व, अपना रेवेन्यू से देगा, ठीक। और उसके साथ साथ 1,00,000 रुपया पर ईयर खर्च किया जाएगा एजुकेशन पर, लिखा है ना, 1,00,000 रुपया खर्च किया जाएगा, और लोन जो होगा उस पर इंटरेस्ट भी लगेगा, वो देना पड़ेगा। तो ये जो जो आपसे पूछा जाए कि 1773 से 1813 तक के जो एक्ट है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपको क्या है, तो न तो 1773 है न तो 1784 है। दो प्रश्न में से पूछा जाएगा कि 1813 का एक्ट लाने का जरूरत क्या हुआ, 20-20 साल पर चलता था, तो रिन्यू जब करना होता था तो कुछ नीति निर्धारण पॉलिसी का डिसीजन होता होगा, तो ही देखा गया कि जब रिन्यू करना है तो सबसे पहले जो है सो वहां के लोगों में असंतोष दिखाई दिया कि भाई पैसा जो कमा रही है इंडिया कंपनी, तो हम लोगों को, तो जनरल पॉपुलेशन को तो उससे फायदा होने रहा है, तो ये फायदा हम लोग को भी होना चाहिए, ठीक है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे, उसको दो लाइन लिखा कोई फायदा नहीं है, नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे 1833 और 53, 1833 करेंगे, 53 करेंगे, चलो, थैंक यू। हाँ।